सुप्रभात छात्रों, आपके एजुकेशन हब बांसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम और टॉपिक है हमारा समास। समास पढ़ रहे हैं और समास में हमने बेटा हमारा तत्पुरुष समास पढ़ चल रहा है, तो तत्पुरुष समास में हमने व्यधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ लिया। अब हम दूसरा समास पढ़ रहे हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, इस समास में पूर्वपद तथा उत्तरपद में समान विभक्तियां होती है। इस समास में पूर्वपद और उत्तरपद में कैसी विभक्तियां होती है? समान विभक्तियां होती है। समानाधिकरण तत्पुरुष निम्न प्रकार का होता है। सबसे पहला आता है विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास। आपको फ्लोचार्ट के माध्यम से भी समझाया, समानाधिकरण तत्पुरुष समास का पहला है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास। इस समास का प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है, तथा दोनों में समान विभक्तियां होती है। दोनों में विभक्तियां कैसी होती है? समान होती है। यथा जैसे उदाहरण के माध्यम से समझो, समस्त पद, समस्त पद है हमारा नीलोत्पलम, नीलोत्पलम। अब इस पद में देखो नीला, नीला तो क्या हो गया? कलर हो गया। उत्पलम यानी कि नीला है जो कमल, ठीक है ना, उत्पलम। तो इसमें किस उत्पलम की परिभाषा बताई गई है कि कैसा है? नीला। तो ये नीला तो क्या हो गया? विशेषण। और उत्पलम क्या, कैसा हो गया? विशेषण। समास की क्रिया हो जाएगा इसका नीलम, नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम। ठीक है, उसके बाद है कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, कृष्ण यानी काला, सर्प यानी सांप। सांप कैसा है? काले रंग का है। ठीक है, इसलिए इस सर्प की विशेषता बताई जा रही है, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। इसमें पहला पद ये कृष्ण है, काला तो क्या आ गया है? विशेषण आ गया है। और सर्प ये कौन सा पद है? दूसरा पद है, ये क्या हो गया है? विशेष हो गया। इसलिए ये विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास का उदाहरण कहलाया। अब इसका विग्रह देखो, करो कृष्ण सर्प है यानी कि काला है जो सांप, तो इसका विग्रह हो जाएगा कृष्ण सर्प है, कृष्ण सर्प है। ठीक है, उसके बाद है बेटा पीताम्बरम, पीताम्बरम। पीतम का होता है पीला, और अम्बरम यानी वस्त्र, ठीक है ना, पीला है जो वस्त्र। अब बेटा देखो इसकी अंबर की परिभाषा बताई गई है कि ये कैसा है? पीला है। ठीक है, तो ये पीला, तो पीतम तो क्या हो गया है? विशेषण। और अंबरम क्या हो गया है? विशेष्य। इसका समास विग्रह हो जाएगा पीतम अंबरम, उसके बाद है श्वेत वस्त्रम, सफेद वस्त्र। वस्त्र कैसा है? सफेद है। पहला विशेषण बता गया, दूसरा कैसा आ गया है? विशेष आ गया है। इसका विग्रह हो जाएगा श्वेत, श्वेतम वस्त्रम, श्वेतम वस्त्रम। ठीक है, उसके बाद है कुराजा, यानी कि राजा कैसा है? कुत्सित यानी खराब, ठीक है ना, बुरा। तो विग्रह हो जाएगा, संस्कृत में बुरे को क्या बोलते हैं? कुत्सित है, कुत्सित है राजा, बुरा। ठीक है, उसके बाद ये बेटा हमारा विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास हो गया। उसके बाद उपमान पूर्व कर्मधारय समास, कौन सा? उपमान पूर्व कर्मधारय समास। इसमें उपमान वाचक शब्दों के साथ साधारण धर्म वाचक शब्दों का समास होता है। इसमें उपमान वाचक शब्दों के साथ में साधारण धर्म वाचक शब्दों का समास होता है। यथा जैसे उदाहरण के माध्यम से समझो, समस्त पद और समास विग्रह। हमारा समस्त पद है घनश्याम है, घनश्याम यानी घन जैसा श्याम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका विग्रह? घन इव
श्याम है, ठीक है। उसके बाद दूसरा उदाहरण है चंद्रमुखम, यानी चंद्र जैसा मुख है, तो इसका विग्रह हो जाएगा चंद्र इव मुखम, यानी कि मुख कैसा है, चंद्र जैसा है। उपमान पूर्व कर्मधारी, यानी कि इसमें पहला पद कैसा होता है, उपमान होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद तीसरा आता है उपमानोत्तर पद कर्मधारी, तीसरा आता है उपमानोत्तर उपमानोत्तर पद कर्मधारय, उपमानोत्तर पद कर्मधारय, उपमानोत्तर पद, ये पद और लिख लिया आपका कर्म धारे, उपमानोत्तर पद कर्मधारय, यानी कि जिसमें उत्तर पद दूसरा पद कैसा होता है, उपमान होता है, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारी समास, ठीक है। इसमें तो यानी कि पहला पद विशेषण जो पहला हमारा था उसमें पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष उसे कर्मधारी कहा, दूसरा हमारा है पहला पूर्व पद कैसा हो, उपमान हो, ठीक है, वो भी कर्मधारी कहलाया। अब अगला तीसरा है कि उपमानोत्तर पद कर्मधारी, यानी कि जिसका उपमान उत्तर पद कर्मधारी, यानी कि जिसका उत्तर पद यानी दूसरा पद कैसा हो, उपमान हो, उसे भी हम क्या कहते हैं, कर्मधारी कहते हैं। इसके भी बेटा उदाहरण देखो, समस्त पद, समास विग्रह, ठीक है, समस्त पद है मुख कमलम, मुख कमलम, मुख कमलम, मुख कैसा है, कमल की तरह है, कैसा है मुख, कमल की तरह है, ठीक है। तो यहां पर उत्तर पद क्या गया, किस प्रकार का है मुख, कमल की तरह है, तो इसमें उत्तर पद कैसा है, उपमान है, ठीक है। और इससे पहले जो हमने समझा, इसमें प्रथम पद पूर्व कर्मधार उपमान पूर्व कर्मधारय, यानी कि प्रथम पद कैसा था, कर्म यानी कि उपमान था, इसलिए कर्मधारय का, तो मुख मुख कमलम, यानी मुख कैसा है, कमल की तरह है, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा मुखम कमलम इव, मुखम कमलम इव, यानी मुख कैसा है, कमल के जैसा है। दूसरा उदाहरण है पुरुष नागय, पुरुष नागय, यानी पुरुष कैसा है, नाग के समान है, ठीक है, इसका विग्रह हो जाएगा पुरुष है नागय इव, ठीक है बेटा। इस प्रकार से समानाधिकरण तत्पुरुष का जो भेद है, समानाधिकरण तत्पुरुष का जो प्रथम भेद है कर्मधारय समास, उस कर्मधारय समास के ये हमने तीन और यानी कि उदाहरण बता दिए हैं। इस प्रकार से ये तत्पुरुष समास से समानाधिकरण जो तत्पुरुष समास है उसमें कर्मधारय समास हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके आगे नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे।